हेलो दोस्तों, फ्यूचर कॉप आईएएस में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट एक्ट्स देख रहे थे हमने, देखा था 1813 तक की एक्ट को हमने देख लिया था। ठीक है, तो अब तक हमें क्या चीज़ें पता लग चुकी हैं? हमें पता लग चुका है, अगर ब्रिटेन की बात करेंगे, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमारे पास एंड एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये हमारा कंपनी वाला और ये हमारा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ये कंट्रोल करने वाले हैं हमारी कंपनी के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पे गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल, गवर्नर उसकी काउंसिल एंड गवर्नर उसकी काउंसिल एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइप का सिस्टम यहाँ पे बना हुआ और इसको सुपर पावर दे के रखी हुई है, इनको ये सुपरसीड कर सकता है। ट्रेड की बात करेंगे तो जो हमारे ट्रेडर थे उनको ट्रेड करने का अधिकार दे दिया गया था, उनको परमिशन लेनी थी, लाइसेंस लेने की जरूरत थी उनको, और मिशनरी वगैरह आ सकते थे। लास्ट एक्ट के अनुसार मिशनरी आ सकते थे, ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे। और जो हमारा टी और चाइना को छोड़ के जो कंपनी थी उसकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उनको वो जो था 20 साल के लिए एक्सटेंशन दे देते हैं उनको, तब तक वो रूल कर सकते हैं इंडिया के ऊपर। अब आ जाता है 20 साल ख़त्म हो जाते हैं 1813 से लेके 1833 आ जाता है। अब एक नए एक्ट की आवश्यकता थी कि मतलब कंपनी का जो रूल है उसको एक्सटेंड करना है आगे, या क्या करना है, उसकी जो मोनोपोली है उसके साथ में क्या करेंगे। तो ब्रिटेन के अंदर में भी जैसा वो तो 1813 के अंदर ही बोल रहे थे कि जो ट्रेडर वगैरह होते हैं उनको पूरी तरह आप स्वतंत्रता दो, वो इंडिया के अंदर में आ सकते हैं और यहाँ पर कम्प्लीट तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन चाइना और टी को छोड़ के सब कुछ जो था मोनोपोली दे के रखी थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो वहाँ पे काफ़ी आवाज़ें उठने लगी कि ये जो लाइसेंस वाला सिस्टम है इनको ख़त्म करो, इनकी मोनोपोली को ख़त्म करो। और एक बड़ा वर्ग ये था जो मतलब सोच रहे थे कि जो हमारी कंपनी है वो तो सिर्फ एक ट्रेडिंग वाली है, मतलब जो वो तो ट्रेड करने के लिए गई थी, और इनके पास में यहाँ पर रूल करने के लिए कोई इनके पास में एक्सपर्टाइज नहीं है। मतलब जो रूल कर रहे, जो यहाँ पे सिविल सर्वेंट इन्होंने लगाए हुए हैं, वो कोई मेरिट बेस के ऊपर कुछ भी नहीं गया हुआ है और ये अपने तरीके से रूल करते हैं। तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसका दायित्व बनता है, उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो इंडियन जो है उनके ऊपर अच्छे से गवर्नेंस करें, वो वहाँ पर गवर्नेंस करें, क्योंकि उनको गवर्नेंस के बारे में पता है। कंपनी को क्या पता कैसे गवर्न करते हैं हमारी कंट्री को, इतनी बड़ी टेरिटरी जीतते जा रहे हैं धीरे धीरे, पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में ये सब आवाज़ें उठने लगी वहाँ पर। अब वो सिचुएशन बन चुकी थी, लेकिन उस टाइम एक वर्ग हमारा ये भी था जो कह रहा था कि कंपनी जो है वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे, ठीक है, वो हमारी 100-150 सालों से यहाँ पे रूल कर रही है, तो इनको पता है इंडियन के क्या कस्टम होते हैं, क्या लॉज होते हैं इंडिया के अंदर में, हम जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं हमें क्या पता है इंडिया के अंदर में क्या होता है। तो वैसी सिचुएशन में कंपनी जो है उनको ज़्यादा पता है इंडिया के बारे में, तो उनको रूल करने दिया जाए। और कुछ वर्ग था वो बोल रहा था कि जो हमारी ब्रिटेन है वो कंप्लीट तरीके से इसे ओवर पावर कर दे, ये क्या बात बन रही है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, आप मतलब इस तरीके से डबल डबल अथॉरिटी बनाई हुई है, उनको इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हो, डायरेक्ट इनको हाईजैक करो, कंपनी की कोई अथॉरिटी नहीं बनती वो टेरिटरी के ऊपर कब्जा करे, क्योंकि वो एक कंपनी है। ठीक है, ये जैसे हमारे पास में आजकल बात करेंगे, अगर टाटा कंपनी की बात करते हैं, वो मान लो ब्रिटेन के अंदर जाके वहाँ पे एरिया कैप्चर करने लगती है और उसके बाद में वो रूल करने लग जाती है। अब टाटा वालों को अपने फील्ड में एक्सपीरियंस है, बट उनको एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एक्सपीरियंस है, वही सिचुएशन इनके द्वारा बोली जाती है। और लेकिन कुछ हमारा वर्ग था जिनके अंदर में हमारे लॉर्ड मैकॉले जो थे वो प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा बोला जाता है कि हमें जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ का, इंडिया की बात करेंगे, कंपनी इतने टाइम से वर्क कर रही है, इनको पता है कैसे इंडियन है, और उनका कल्चर दिन हमारे कल्चर से मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो ऐसा नहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कि एक कंट्री से ब्रिटेन से फ्रांस में आ गए, वो कंप्लीट, क्योंकि इंडिया की बात करेंगे और ब्रिटेन उनके अंदर में तो ज़मीन आसमान का फर्क होगा, उस टाइप का कल्चर है उनका, उनके ट्रेडिशन वगैरह। हम अगर वहाँ पर रूल करने लगेंगे हमें कोई वैल्यू नहीं है उन चीज़ों की, जो वहाँ की लैंग्वेज होंगी, उनके लॉज होंगे, ठीक है, वो हमें मतलब काफ़ी एब्सर्ड लग सकते हैं, लेकिन कंपनी रूल कर रही है, इनको रूल करने दिया जाए। और मोनोपोली के लिए बातें उठ रही थी कि इनकी मोनोपोली ट्रेड पे ख़त्म करो, ये लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में आता है 1833 का एक्ट। 33 के एक्ट में कुछ प्रोविज़न होते हैं, इनमें क्या बोलते हैं, रीडिज़ाइन गवर्नर जनरल जो बंगाल का होता है, यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल बंगाल का, ठीक है, ये गवर्नर है नीचे मद्रास के एंड बॉम्बे के, ठीक है, इनको क्या बोला, जो गवर्नर जनरल बंगाल का बोल रहे हैं हम, इनके द्वारा बोला क्या जा रहा है एक्चुअल में कि यहाँ पे एक तरीके से आप आइलैंड की तरह इनको रूल कर रहे हो, एक आइलैंड यहाँ पे, एक यहाँ पे, इनको अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये अपना लॉ बना रहा है, ये अपना लॉ बना रहा है, ये अपना लॉ बना रहा है। अब इस टाइप में आप क्या कर रहे हो, एक सेंट्रलाइज करो इसको कि सिर्फ एक ही अथॉरिटी है वो लॉ बनाए, ठीक है, यही अथॉरिटी लॉ बनाएगी, इनके लॉ बनाने वाली पावर को ख़त्म कर दो, ऐसा मतलब ये अपने अपने लॉ बना के बैठे हों, उसके बाद में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास में केस जाता है, इनके यहाँ पे अपने लॉ चल रहे हैं, इनके अपने लॉ चल रहे हैं, यहाँ पे जो इनके जज होंगे, जो इनका जस्टिस का सिस्टम है वो अपने तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पे अपना वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से तो मतलब हमने क्या होलिस्टिकली तरीके से पूरा हमने इंडिया को कैप्चर करना है। तो आप धीरे धीरे करके इसको चेंज करने की कोशिश करो, रूलर एक ही होना चाहिए वहाँ पे, आप किसके साथ में कांटेक्ट करोगे, इस तरीके से आइलैंड मत बनाओ। तो इनके द्वारा क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का है उसको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देंगे, मतलब अभी तक इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोल रहे थे, ये हमारे पास में सेपरेट हैं, इनके पास अपनी पावर्स हैं,
लेकिन अब क्या बोल रहे, बंगाल का नहीं, इसको बोलेंगे पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल, ठीक है, ताकि एक सेंट्रलाइजेशन कर सकें, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कैप्चर कर सकें हम, ठीक है। तो ये बोला गया इनके द्वारा, और फर्स्ट जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके बारे में हम सेपरेट भी देखेंगे, गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है हमारे कुछ, जिनमें से बेंटिक भी एक है। ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, तो ये आपको टर्म जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे उसके बारे में पता होना चाहिए, जो डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे गवर्नर जनरल बंगाल का और वहाँ से बना ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले गवर्नर होता था, फिर गवर्नर जनरल बना वो बंगाल का, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया 1833 के अंदर में। और जो नंबर था उसकी काउंसिल के अंदर में, वो चार पे लेके आ गए फिर से, जो मेंबर होंगे वो चार होंगे। जैसे हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें तीन लेके आए थे मेंबर, अब फिर से चार ले आए, लेकिन चौथा जो मेंबर था उसको क्या बोला, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसका जो चौथा मेंबर था, ठीक है, उसके पास तीन प्लस एक जो चौथा मेंबर था उसको क्या बोला गया, वो जो है एंटाइटल नहीं है, काउंसिल के अंदर में नहीं बैठेगा, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव लॉ बनाने के पर्पज से बैठेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो लिखा गया है इसके अंदर में, इनके द्वारा लिखा गया है, दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव लॉ बनाने वाला फंक्शन सेपरेट किया गया इन काउंसिल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मतलब काउंसिल एक ही है, उसके अंदर में लॉ बनाने वाला फंक्शन और उसका जो हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो उसके अंदर डिफरेंशिएट किया गया। कैसे, इनके द्वारा क्या बोला गया, तीन मेंबर यहाँ पे हैं, ये तीन मेंबर एग्जीक्यूटिव वाला काम करेंगे, लेकिन जब इनको लॉ बनाना होगा तो ये बैठेंगे चौथे के साथ में, ठीक है। काउंसिल एक ही है, इसके अंदर कोई सेपरेट नहीं किया। अगर क्वेश्चन आएगा आपको किस लॉ के अंतर्गत हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया, वो तो हमारा 1853 का एक्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर में कंप्लीट तरीके से चेंज करते हैं, अदर मेंबर ऐड करते हैं इसके अंदर में, लेकिन यहां से इसको स्टार्ट कर दिया गया था धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, इनके द्वारा यहां पे जो लेजिस्लेटिव वाले फंक्शन थे वो तीन वाले करेंगे, और जब इनको नहीं, एग्जीक्यूटिव वाले तीन मेंबर होंगे यहां पे, ठीक है, गवर्नर जनरल तीन मेंबर, एंड जब इनको लॉ बनाना होगा तो वो ये क्या करेंगे, एक और मेंबर अपने साथ बिठाएंगे, और एक और मेंबर कौन होगा, वो आता है हमारा फर्स्ट मेंबर, जो चौथा लॉ मेंबर था, यहाँ पे शायद लिखना भूल गया हूँ मैं, चौथा लॉ मेंबर लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले वही पर्सन है जिसने सपोर्ट किया था कि कंपनी का जो पूरा रूल है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनको पता है रूल करने के लिए, तो इसको बुला लेते हैं, इसको लॉ मेंबर बना देते हैं। अब इन थ्योरी के अंदर में क्या होना था, तीन पर्सन यहाँ पे वर्क करने थे, ठीक है, और जब लॉ बनाना था तो चौथा आ जाना था इनके पास में, बट जनरली जो मैकॉले था उसको साथ में ही बिठा लेते थे ये, ठीक है। ये हमारे मेंबर बन जाते हैं, एंड नेक्स्ट आता है, इसने डिप्राइव कर दिया गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर से। अब जैसे बात चल रही थी वहाँ पे एक्ट बनने से पहले कि आपने क्या आइलैंड बना के रखे हो, कि अपने अपने लॉ बना के बैठे हो, अपना जस्टिस सिस्टम बना के बैठे हो, इस तरीके से वर्क नहीं करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन लेके आओ, तो इनको बोला मद्रास बॉम्बे, पहले तो इनको सुपरसीड कर दिया था कि जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके पास में ज़्यादा पावर है, लेकिन अब इन्होंने क्या बोला, गवर्नर जनरल बंगाल नहीं है कोई, वो इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया, और इनकी पावर खत्म कर दी, बॉम्बे और मद्रास की पावर कोई नहीं है, लेजिस्लेटिव खुद लॉ बनाएगा, जो ऊपर बंगाल लॉ बनाएगा वही सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल जो था उसको गवर्नर जनरल गवर्नमेंट थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया, तो ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, और उसकी जो काउंसिल थी उसको इंडिया काउंसिल बोला गया, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसको इंडिया काउंसिल बोला गया, एंड गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास में एक्सक्लूसिव, सिर्फ उन्हीं के पास में लेजिस्लेटिव पावर बन गई पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए, पूरा ब्रिटिश इंडिया हमारा सिर्फ गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल वो सिर्फ उसके लिए लॉ बनाएंगे, और नीचे बॉम्बे और मद्रास थी उनकी पावर को ख़त्म कर दिया गया। और इस एक्ट के अंतर्गत एक और जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इस एक्ट ने ब्रिटिशर जो थे उनकी कमर्शियल जो बॉडी थी, कमर्शियल जो वर्क करते थे उसको ख़त्म कर दिया, मतलब उनकी जो ट्रेडिंग वगैरह के राइट्स थे, जो मोनोपोली वगैरह थी उसको तोड़ दिया, उनकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, वो कंप्लीट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, जो ट्रेडिंग वाला वगैरह उनकी मोनोपोली देके रखी थी वो सारी उन्होंने ख़त्म करके रख दी, अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बन गए, और इसको मोनोपोली ये लॉस्ट कर गए अपनी जो इनको दी गई थी। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछला जो हमारा 1813 वाला एक्ट था उसके अंतर्गत में पार्शियल तरीके से इनकी मोनोपोली को अबोलिश किया था, अब कंप्लीट तरीके से मोनोपोली को ख़त्म कर दिया जाता है कंपनी की, एंड जो इनको लाइसेंस का सिस्टम था, लाइसेंस दे रहे थे डिफरेंट ट्रेडर को, वो भी ख़त्म कर देते हैं, कोई लाइसेंस नहीं होगा, सब जाके ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट आता है, इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, हाउएवर दिस प्रोविजन वार नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन के अंदर बैठ रहा है, जिनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, 24 मेंबर हैं इसके अंदर में, इनके द्वारा ओपन कंपटीशन की बात की गई। अब ये यहाँ पे क्या सिस्टम आ रहा है, जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, जो हमारे टॉप से लेकर बॉटम तक वर्क कर रहे हैं, उसमें जो हायर पोस्टें थी वो हमारे जो यूरोपियन थे
वही उसके अंदर में आ रहे थे, और उसको कौन अपॉइंट कर रहा था, उनको नॉमिनेट किया जा रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट कर रहे थे ये पर्सन जाने चाहिए सिविल सर्वेंट में, हाईएल सिविल सर्विस के अंदर में। इंडियन वगैरह आ सकते थे, लोअर वाली जो थी हमारी, जैसे प्यून वगैरह, क्लर्क वगैरह, छोटी मोटी पोस्ट के ऊपर आ सकते थे, उनको डिसाइड किया था छोटी पोस्ट के ऊपर, लेकिन जो बड़ी वाली पोस्ट थी उनके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते थे कि ये पर्सन जो है जाने चाहिए, ठीक है, सिस्टम के अंदर जाने चाहिए, और इनको जो था साइन करके भेजना पड़ता था कि इसमें हमारा कोई, हम आप जो हमारी फैमिली वगैरह के मेंबर, हम इसके अंदर नहीं भेज रहे, और मतलब हमने कोई पैसे नहीं लिए हुआ किसी से, हम करप्शन नहीं कर रहे, मतलब इनको जर्नल छोटा मोटा लिखना पड़ता था कि हम करप्शन नहीं कर रहे, हम जिनको भेज रहे हैं वो मेरिट के ऊपर भेज रहे हैं, तो ये लिखेंगे, ठीक है, वो उनके नाम भेजेंगे, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होगी वहाँ पे, और उसके बाद में ये इंडिया के अंदर एंटर हो सकते थे सिविल सर्वेंट। लेकिन ये जो सिविल सर्वेंट थे, इससे सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा था, ये मतलब अब अलग अलग तरीके से इनकी अपनी मर्जी के हिसाब से इनकी क्या कैपेबिलिटी होगी, इनको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज कितनी होगी, और काफ़ी करप्शन भी इसके अंदर में पाया गया, ठीक है। तो उसके बाद सोचा गया कि ओपन कंपटीशन लेके आओ, ओपन कंपटीशन के अंदर इंडिया वाले जो भी हैं, मतलब सबको हम जो है इंक्लूड कर लेंगे इसके अंतर्गत में। तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया था, ओपन कंपटीशन जो 1833, मतलब अप्लाई कुछ भी नहीं हुआ ये, अगर बात करेंगे जो हमारा सिविल सर्विस के लिए जो स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, वो हमारा 1853 के अंदर स्टार्ट होता है, जिसके अंतर्गत हमारे लॉर्ड मैकॉले की कमेटी बनाते हैं, और वो बोलते हैं कि हम जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपना पैट्रोनेज बेस्ड सिस्टम चलाया हुआ है, उसकी जगह हम एक एग्ज़ाम करवाएंगे, एग्ज़ाम के तहत लेके आएंगे, और इंडियन भी उसमें पार्ट ले सकते हैं। इनका जो ओपन कंपटीशन था, इसमें क्या बोला गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट करें चार गुना जितने इनको चाहिए, अगर इनको एक पर्सन चाहिए सिविल सर्वेंट, ये चार गुना नॉमिनेट करें, उसके बाद उनका एग्ज़ाम होगा और वहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस पर्सन को, ठीक है, इनका कोई अथॉरिटी नहीं होगा, मतलब इतना सा बोला गया, लेकिन इसको भी इनके द्वारा नहीं माना गया और ये सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ से कुछ ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ, वो 1853 से स्टार्ट होता है हमारा सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट मेरिट के बेस के ऊपर। यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन, चार्टर एक्ट 1833 से स्टार्ट होता है, और लॉर्ड मैकॉले चेयरमैन थे हमारे फर्स्ट लॉ कमीशन के। प्रेजेंट में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ कमीशन कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की बॉडी है, तो वो आप खुद देखोगे लॉ कमीशन के बारे में। एंड पीछे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो बॉम्बे एंड मद्रास थे, लेजिस्लेटिव पावर इनकी हटा दी गई। तो लेजिस्लेटिव जो पावर थी उसको हटाने के पीछे क्या कारण था, हमने देखा था जो गवर्नेंस थी उसको साथ में लेके आना था इन्होंने, यूनिफॉर्म गवर्नेंस करनी थी, बॉम्बे मद्रास की पावर को डिक्रीज़ करना था, ख़त्म कर दी इनकी लेजिस्लेटिव पावर, यहाँ पे यूनिफॉर्म तरीके से लॉ पूरा एक साथ बनता। उसके बाद में हमारे क्या थे, कोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, इनके कोर्ट अपने हिसाब से चल रहे थे, बॉम्बे जो बंगाल था उनके कोर्ट अपने हिसाब से चल रहे थे, और लॉ कौन से चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम के डिफरेंट डिफरेंट लॉज चल रहे थे, ठीक है, तो लॉज अपने हिसाब से चल रहे थे, कुछ लॉ यूरोपियन वाले यूज़ कर रहे थे, और रिटन फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं थे कि कोडिफाई करके, जैसे मान लो आपने अगर मर्डर किया तो मर्डर के लिए अलग अलग सजाएं हो सकती, बॉम्बे में अलग हो सकती थी, मद्रास में, यहाँ पे अलग हो सकती थी, ऐसी सिचुएशन में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो जब बातें चली कि मतलब ये किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, पूरे ब्रिटिश इंडिया में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन करोगे आप, वैसे कैसे बात चलेगी, उसी के लिए यहाँ पे क्या किया गया इनके द्वारा कि लेजिस्लेटिव पावर को ख़त्म कर दिया गया। उसी के साथ में एक और चीज़ करने की कोशिश की गई, जो लॉर्ड मैकॉले जिनको मैंने बताया कि उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश का जो रूल था, और उनको एज अ लॉ मेंबर एंटर करवाया गया, वो लॉ के अंदर में काफ़ी एफिशिएंट थे, उनको बोला गया कि ऐसा करते हैं पूरे इंडिया के जो लॉ हैं उनको कोडिफाई कर देते हैं, कि एक लिस्ट बना देंगे यहाँ पे कि आप चोरी करोगे ये सज़ा मिलेगी, ये करोगे तो ये मिलेगी, कौन सा क्रिमिनल होता है कौन सा सिविल होता है। तो वहीं से हमारा जन्म होता है, जो हम आज देखते हैं हमारे आईपीसी सीआरपीसी, उनका जन्म कहाँ से होता है, हमारे जो लॉ थे हिंदू मुस्लिम लॉज यहाँ पे वर्क कर रहे थे, यूरोपियन लॉ इसके साथ में प्लस करके इनके द्वारा कोडिफाई करके लॉज बनाए गए इस टाइप के आईपीसी सीआरपीसी। तो इनके द्वारा निर्धारित किया गया कि किस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा, उसी के लिए फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया, लॉर्ड मैकॉले इसके अंदर में चेयरमैन थे, इनके द्वारा पूरा कोडिफिकेशन की गई हमारे पूरे लॉज की, और ये जो है धीरे धीरे करके बनता है, ये आने वाले 20-30 सालों के अंदर में अप्लाई होता है इंडिया के अंदर। बट ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि लॉ कमीशन की स्थापना फर्स्ट टाइम कब की गई थी, 1833 के एक्ट के अंदर, और इसी एक्ट के अंतर्गत हमारी जो लॉज थे उनकी कोडिफिकेशन की गई, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लॉ चल रहे थे, और मतलब वो मजाक लग रहा था कि अलग अलग प्लेस पे किस तरीके से एक ही ब्रिटिश इंडिया के अंदर अलग लॉ वर्क कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने लेजिस्लेटिव पावर भी खत्म की, अब सोचा गया जुडिशरी भी रिफॉर्म करते हैं और जुडिशरी के सारे लॉ को इकट्ठा बनाएंगे, ताकि पता है आईपीसी सीआरपीसी उनके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं उसी हिसाब से पूरे ऑल इंडिया में यूनिफॉर्म तरीके से वर्क करेंगे। अदरवाइज काफी पैसे भी उसके अंदर लग रहे थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी जवाबदेही तय नहीं हो रही थी, वो अपने अपने सिस्टम से वर्क कर रहे थे। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती थी उसको खत्म करने की बात की गई। स्लेवरी की बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हमने स्लेवरी देख ली है, लेकिन इंडिया के अंदर में उसका मेंशन नहीं आता। एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो उसमें उतनी ज्यादा बात नहीं होती स्लेवरी की,
कि जो स्लेवरी वाला सिस्टम उतने ज़्यादा हमें पुख्ता सबूत नहीं मिलते, कोई रिटर्न उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलता स्लेवरी का। बट अब हम बात करेंगे, इस्लाम का उदय होता है इंडिया के अंदर में, इस्लाम का आगमन होता है, उसके बाद में जो थी स्लेवरी, वो हमारे जो नॉन मुस्लिम पर्सन होते थे उनको स्लेव बना के ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद सेंट्रल एशिया में बेच देना, मिडल ईस्ट में बेच देना, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट हो जाती हैं इंडिया के अंदर। तो उसके बाद में स्लेवरी की बात करते हैं, अगर पूरे इंडिया वर्ल्ड की बात करेंगे, अफ्रीका के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती थी। ब्रिटिशर्स को बाद में आवाज़ें उठने लगती हैं, हमने स्लेवरी देख चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आवाज़ें उठने लगती हैं कि यूरोपियन जो पावर है कि स्लेवरी मतलब काफ़ी इनह्यूमन है, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो ब्रिटेन के अंदर में 1800 से ये स्टार्ट हो जाता है, 1807 से स्टार्ट होता है कि ख़त्म कर दो स्लेवरी जो है। तो धीरे धीरे करके इनके द्वारा ट्रेड ख़त्म किया गया, फिर अपनी इंटरनल स्लेवरी ख़त्म कर दी गई। उसी के साथ में इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया के अंदर में जो स्लेवरी चल रही है, जैसे एक तो जैसा मैंने बताया कि इस्लाम का आगमन होता है, उसके बाद में जो चलती है, उसके बाद अलावा जो हमारे इंटरनल जो राजा वगैरह लड़ाइयाँ होती थी, जैसे अगर नॉन मुस्लिम को लेके जाएंगे, उसके बाद में जो हमारे दूसरे पीपल हैं उनकी जब लड़ाइयाँ होंगी, तो वो जो पर्सन थे वहाँ पे उनको स्लेव बना के ले आते थे, ठीक है, उनको बेच देते थे। उसके बाद जो पुर्तगीज़ हैं उनकी एंट्री होती है, तो वो इंडिया से स्लेवरी का ट्रेड शुरू करते हैं, हमारे ईस्ट कोस्ट से हमारी स्लेवरी को स्टार्ट करते हैं, वैसे भी हमारी स्लेवरी लेके जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो जो प्रथाएं थी इंडिया के अंदर में चल रही थी, उसको ख़त्म करने की बात की गई 1833 के एक्ट के अंतर्गत, कि ख़त्म करो स्लेवरी वगैरह इंडिया के अंदर में, कंप्लीट ख़त्म होनी चाहिए। ब्रिटेन में तो हमने ख़त्म की, इंडिया में भी ऐसा ही करना चाहिए, ये सब इनके द्वारा बोला गया। और एक्ट जो था मैंडेट किया कि कोई भी लॉ इंडिया के अंदर जो बनेगा उसको पार्लियामेंट के बिफोर पुट करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो बनेगा और उसको बोलेंगे हम एक्ट, तो हमें यहाँ पे लॉ बनाएंगे, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर उसको रखना पड़ेगा। मतलब ग्रेटर कंट्रोल मिल गया ब्रिटेन को इंडिया के ऊपर। तो ये हमारे पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1853। हमने इसमें क्या देखा, ये 20-20 साल के अंतराल के ऊपर आ रहे हैं, 20 साल के लिए इनको दे दे रहे रूल की आप इंडिया के ऊपर रूल कर सकते हो, ठीक है। तो अब इनको 1833 से बोल दिया कि ट्रेड में तो मोनोपोली ख़त्म, बट आपको रूल कर सकते हो आप 20 साल के लिए, नेक्स्ट 20 साल के लिए आप इंडिया के ऊपर रूल कर सकते हो। 20 साल ख़त्म होते हैं, 1853 आता है, अब इनको फिर चार्टर रिन्यू करवाना होता है कि अब कितने साल के लिए हमें रूल मिलेगा। तो अब जो था सिस्टम जो था वो काफ़ी चेंज हो चुका था, जैसे जैसे क्योंकि ब्रिटेन की सोसाइटी इस टाइम काफ़ी चेंज हो रही थी, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से पूरी क्रांति आ रखी थी, वहाँ पे नए नए आइडियाज़ आ रहे थे, हमारे नए नए फिलोसफर बन रहे थे, उनकी जो थ्योरीज थी वो कह रहे थे इंडिया के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है उसके अंदर में इंडियन को डाला जाए, ठीक है, जो आप सिविल सर्वेंट यहाँ पे आ रहे इंडियन की एंट्री करवाई जाए उसके अंतर्गत में, ऐसा नहीं कर सकते कि ब्रिटिशर उनके ऊपर रूल करेंगे। तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर के ऊपर भी लोग वहाँ पर आवाज़ें उठा रहे थे, और कुछ लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, दो अथॉरिटी जो है क्यों कंट्रोल कर रही है। कुछ तो हमारे लोग थे वो कह रहे थे कि मतलब रूल की कंपनी क्यों रूल करेगी वहाँ पे, ब्रिटिश को रूल जो पार्लियामेंट है उनको रूल करना चाहिए, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऐसे दो अथॉरिटी बना के क्या, मतलब इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बन रही है अच्छे से, तो दो की ज़रूरत ही क्यों है हमें, ख़त्म करो, एक अथॉरिटी बनाओ उससे काम चला लेंगे हम, ठीक है। ये सब काम इनके द्वारा बोला गया। और फिर जो हमारी क्या थी पिछले एक्ट में क्या बोला गया, जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे उसको, बट वो गवर्नर जनरल बंगाल का है। नीचे क्या है, नीचे हमारे गवर्नर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नर वर्क कर रहे हैं। तो अब जो थे ये जो हमारे गवर्नर थे, इन्होंने बोला कि ये जो हमारा गवर्नर है ऊपर जो काम कर रहा है उसका नाम तो दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन ये गवर्नर कहाँ का है, बंगाल का, तो ये जो वर्क करेगा ज़्यादा वो हमारे हित में काम नहीं करेगा, ये पार्शियल तरीके से काम करेगा, बंगाल के हित की तरफ ज़्यादा देखेगा। तो ऐसा करो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसकी पोस्ट अलग ही बना दो, और गवर्नर एक बंगाल के लिए अलग बना दो, उससे तीन हमारे पास ये गवर्नर बन गए और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सेपरेट बन गया, क्योंकि ये इम्पार्शियल वे में काम नहीं करेगा और उससे हमें हानि होती है लॉज वगैरह के बनाने की सिचुएशन के अंदर में। तो अब हम चार्टर के कुछ फीचर देख लेते हैं। फर्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर, रिन्यू करने के लिए बनाया गया इसको। और अनलाइक जो प्रीवियस एक्ट थे हमारे 1793 का, 1813 का, 1833 का, वो तो हमारे 10-10 साल 20-20 साल के लिए रिन्यू करवा रहे थे कि आपको 20 साल के लिए चार्टर दे दिया, आप 20 साल तक इंडिया के ऊपर रूल कर सकते हो। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1853 का जो एक्ट था उसमें कोई मेंशन नहीं किया कितने टाइम के लिए आप रूल कर सकते हो।
इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि आप टेक ओवर कर लो, वहाँ पे जो रूल चल रहा है उसको टेक ओवर करो, आप अपने तरीके से रूल करो, जैसा मैंने बताया ये अलग, आप डुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन चला के रखी है इसको ख़त्म करो इन सब, और डायरेक्टली जो है टेक ओवर कर लो। तो उनके ऊपर भी प्रेशर था वहाँ पे उस सिचुएशन के अंदर में, उनके द्वारा मेंशन नहीं किया गया कि कितने पीरियड तक जो है हम जो है आपका चार्टर रिन्यू करते हैं। इसका मतलब ये था कि हो सकता है कि आपको 6 महीने के अंदर कंपनी को वापस बुला लें कि सिर्फ ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो रूल करेगी, आपका रूल खत्म होता है यहाँ पे। ये भी हो सकता था, या हो सकता है इनको 20 साल के लिए दे दिया जाए या 40 के लिए कर दिया जाए, मतलब कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं था। एक तरीके से कंपनी के ऊपर कभी भी तलवार लटक सकती थी। तो ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ये आपको याद हो जाएंगे अगर इन गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे हम बाद में, किस गवर्नर जनरल ने क्या क्या काम किया तब आपको याद हो जाएंगे। एंड इन इंग्लैंड चार्टर एक्ट 1853 का उसने रिड्यूस कर दिया, इंग्लैंड के अंदर जो कौन थे हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बैठते थे, जो 24 मेंबर थे, उनका नंबर उन्होंने डिक्रीज करके 18 कर दिया। अब वो 24 से 18 कर दिए। बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डुअल कंट्रोल चलाया हुआ इन्होंने कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल काम कर रही है, इसकी पावर को ख़त्म ही कर दिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने 24 से 18 कर दिया और 18 में से बोला 6 तो हम नॉमिनेट करेंगे, राजा जो है नॉमिनेट करेगा उनको, मतलब इनकी पावर को ख़त्म करके धीरे धीरे जो प्रेशर था जनता का वो इंक्रीज़ होने की वजह से अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। फिर इनके द्वारा बोला गया जो चौथा मेंबर है, लॉ मेंबर जो फोर्थ मेंबर है, उसको फुल मेंबरशिप दे दी जाए और उसको राइट टू वोट भी मिल जाएगा, मतलब उसको पूरी मेंबरशिप मिल जाए एग्जीक्यूटिव में भी और लेजिस्लेटिव में भी। पहले क्या था, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव मेंबर में काम कर सकता था, जो पहला कौन मेंबर था, लॉर्ड मैकॉले, अब उसको बोल दिया फुल मेंबर बन जाएगा वो। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को न्यू प्रेसिडेंसी क्रिएट करने के लिए बोल दिया गया। अब यहाँ पे इशू क्या था, तीन ही प्रेसिडेंसी थी हमारे पास में, ठीक है, तीन प्रेसिडेंसी हमारे पास कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, लेकिन अब जो था 1853 का टाइम आ गया, इस टाइम तो ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा इंडिया जीत लिया है। अब जो था रूल जो करना है आपने, उसके लिए आपको छोटी छोटी प्रेसिडेंसी बना के, मतलब जैसे इंडिया स्टेट, अब इंडिया में सोचो तीन स्टेट बनी हुई है, सिर्फ तीन स्टेट से ही पूरा रूल करेंगे, तो एक हमारी यूपी की अकेले की बात करेंगे, वहाँ पे हमारे पास में 18-20 करोड़ के करीब लोग हैं, वैसे ही पूरे इंडिया अब इनके ऊपर, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया आ चुका है इनके पास में। तो अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर में, मतलब जो प्रिंसली स्टेट थी वो तो इनके कंट्रोल में इंडायरेक्ट वे के अंदर है, जो इनके कंट्रोल में आ रहा है वहाँ पे एक यूनिफॉर्म रूल बनाने के लिए अब न्यू प्रोविंसेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तीन प्रोविंसेस से काम नहीं चल सकता, नई प्रोविंसेस क्रिएट करो, वो पावर दे दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन, ये वाले जो कंपनी के प्रोपराइटर उनको अपॉइंट करते थे, नॉमिनेट करते थे, इलेक्ट करते थे, उनको बोला गया आप कर सकते हो नई प्रेसिडेंसी बना सकते हो, क्योंकि इंडिया लार्ज बन रहा था, लार्ज टेरेन आ रहा था ब्रिटेन के अंतर्गत में। तो इन्होंने दो नई प्रोविंसेस बना दी, सिंध और पंजाब, ठीक है, और उसके अलावा धीरे धीरे करके प्रोविंसेस की संख्या ये इंक्रीज़ करते गए, ठीक है। जैसा हमें पता है कि आज़ादी के समय तक हमारे पास में 11 के करीब प्रोविंसेस बन चुकी थी, तो इनके द्वारा इंक्रीज़ करती गई। और इन प्रोविंसेस के अंदर में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की हम नियुक्ति करेंगे, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की हम नियुक्ति करेंगे उनके लिए, वो पावर भी इनको दे दी गई, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब बस आपको समझना चाहिए कि अब जो इंडिया है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इनके अंडर का आ चुका है, तो तीन प्रेसिडेंसी से काम नहीं चलने वाला। आप बोलते कि नहीं छोटी छोटी प्रोविंसेस बना दो और वहाँ पे उनके अपने गवर्नर बनाओ, वो उनको रूल करने वाले हैं, और मेन गवर्नर तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काम कर रहा है। इस एक्ट के अंतर्गत हमारी असम, म्यांमार, बर्मा एंड सेंट्रल प्रोविंस क्रिएट की गई, और धीरे धीरे करके और ज़्यादा प्रोविंसेस क्रिएट की गई, उनके अंदर जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको भेजा गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके एक्ट के अंतर्गत, द एक्ट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी। जैसा मैंने आपको बताया जो हमारे नीचे वाली प्रेसिडेंसी थी वो क्या बोल रही थी, वो बोल रही थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नाम का बोला आपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, काम तो ये गवर्नर बंगाल का ही है, ऐसा करो गवर्नर बंगाल का अलग बना दो और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको अलग बना दो, ताकि ये पूरे इंडिया के लिए काम कर सके, वैसा नहीं इम्पार्शियल तरीके से वहीं के लिए काम कर रहा है बंगाल के लिए। तो ये अब इनके द्वारा कर दिया गया, सेपरेट गवर्नर बना दिया बंगाल के लिए, ठीक है, और जो गवर्नर जनरल था उसकी पोस्ट को सेपरेट कर दिया गया पूरे इंडिया के लिए। और फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो थे काउंसिल के उनको सेपरेट कर दिया गया। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, दिस एक्ट सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म, द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल एक्ट इज एज अ पार्लियामेंट ऑन द मॉडल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो मेन यहाँ पे काम हुआ, 6 नए मेंबर ऐड कर दिए गए इसके अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 मेंबर ऐड कर दिए गए। गवर्नर जनरल की काउंसिल क्या काम करेगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगी, और जब 6 मेंबर और बैठेंगे इसके साथ में तो क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो मतलब एग्जीक्यूटिव के लिए अलग बैठेंगे और लेजिस्लेटिव के लिए अलग बैठेंगे, और 6 मेंबर और ऐड कर दिए इसके अंतर्गत। तो मतलब क्या किया, इनके द्वारा जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे उनके एक लेजिस्लेटिव फंक्शन से सेपरेट कर दिए गए, फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया। और जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव कौन, हमारे मंत्रिमंडल जो बैठता है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठेगा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उस तरीके से हमारी गवर्नर जनरल की काउंसिल वर्क करेगी। और जो लेजिस्लेचर हम बात करें, जैसी हमारी आजकल लोकसभा राज्यसभा वर्क करती है, जब गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 और मेंबर ऐड कर देंगे तो ये बनेगी हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसे ये मेंबर जो हैं
हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह वो भी हमारे मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के, वैसे यहाँ पे गवर्नर जनरल और 6 नए मेंबर ऐड करके बनेगी हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेपरेशन आ जाती है, 6 जो नए मेंबर होते हैं, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 6 मेंबर नए तो इन्होंने ऐड कर दिए इसके अंतर्गत में, मेंबर की संख्या इंक्रीज़ हो जाती है, गवर्नर जनरल की काउंसिल अलग है, 6 मेंबर अलग ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, लेजिस्लेटिव पावर आ जाएगी उनके पास में। तो ये अलग अलग कर दिया, इनके द्वारा पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करने लगे, अब एग्जीक्यूटिव जैसे होता है और एक लेजिस्लेचर होता है, ये लॉ बनाते हैं ये इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो वैसे अब ये वर्क करना शुरू कर दिया गया। और ये मॉडर्न जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहीं से स्टार्ट होता है, बिकॉज ऐसे ही हमारा सिस्टम वर्क करता है, धीरे धीरे करके और ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है इनकी संख्या और ये सेपरेट कंप्लीट सेपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 6 जो नए मेंबर ऐड होंगे उनमें से जो 4 मेंबर हैं, यहाँ पे क्या है, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब वैसे गवर्नर उसकी काउंसिल वगैरह ये जो थे वो सेपरेट वर्क कर रहे थे, क्या बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो वर्क करेगा, उनकी जो काउंसिल है वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाएगी, लेकिन उनके अंतर्गत में रिप्रेजेंटेशन, इनकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ थी, जो लोकल हमारी प्रोविंसेज हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ थी इसकी काउंसिल के अंदर में। अब बोला गया जो 6 मेंबर है इसमें से 4 यहाँ से जाएंगे, जैसे हमारे पास बॉम्बे से एंड मद्रास से एंड आगरा से, तो मतलब ऐसे अलग अलग जो 4 मेंबर हैं वो लोकल प्रोविंस से जाएंगे, मतलब सबकी रिप्रेजेंटेशन होगी पूरे ऑल ओवर इंडिया, अब इंडियन की बात नहीं हो रही कि इंडिया को लेके जाएंगे, उसके अंतर्गत में ये भेजेंगे अपने मेंबर नीचे वाली जो प्रोविंस है, तो ये हमारे लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसके अंतर्गत में इंपॉर्टेंट आता है। अब एक और जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंतर्गत बताता है, इट गेव बर्थ टू इंडियन सिविल सर्विसेज, और इसको ओपन कर दिया इंडियन के लिए, इंडियन को बोल दिया अब इंडियन भी इसके अंतर्गत एंटर हो सकते हैं। जो 1833 का एक्ट था उसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें बोली गई थी, जब ओपन कंपटीशन की बात की कि हम रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह, मतलब हम किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेंगे लोगों के अंदर में, जो कंपनी की सर्विस है उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एंट्री समान रूप से मिलेगी, प्रोविज़न फॉलो नहीं हुआ अच्छे से, बट ये प्रोविज़न था उसके अंतर्गत में। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 1833 में लेके आए थे। अब क्या बोला गया इनके द्वारा कि ओपन एंड फेयर कंपटीशन होगा, मतलब अब क्या बोल रहे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं वो क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे पर्सन को, उनको 1833 में क्या बोला कि 4 एक्स नॉमिनेट करो और उसमें से हम कंपटीशन करवाएंगे और लेके आएंगे, लेकिन ये सिस्टम फॉलो नहीं हुआ। अब क्या बोला गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर को करो खत्म, अब ओपन फेयर कंपटीशन करेंगे, कंपिटिटिव एग्जाम होगा एक, और उसके अंतर्गत काम किया जाएगा। तो 1853 के एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ें बोली गई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सिविल सर्विस वाले के साथ में डिटेल से देखेंगे। तो 1853 में ये बोला गया और 1854 के अंदर इस एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड मैकॉले की कमेटी बना दी, आप बताओ कि कैसे कैसे हम सिविल सर्विस वाला एग्जाम कंडक्ट करेंगे, उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से वर्क होना चाहिए और कहाँ पे एग्जाम होना चाहिए, वो सब चीज़ें उनके द्वारा डिसाइड की जाएंगी और एक ओपन एंड फेयर कंपटीशन फर्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ से सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हमारा काउंसिल वाला लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिविल सर्विस कैसे डेवलपमेंट होती है इंडिया के अंदर में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।